हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजिटल क्लॉक. ओके, अभी इससे पहले तो हमने एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ा था, अब आज हम डिजिटल क्लॉक के बारे में जानेंगे. तो डिजिटल क्लॉक जो है सिर्फ यही है जो ये बता सकती है आपको कि डे है कि नाइट है. जो भी टाइम हो रहा है वो डे में हो रहा है कि नाइट में हो रहा है. मतलब जब आप एनालॉग क्लॉक में देखते हैं तो उसमें हो रहे हैं 10:30, है ना. अब 10:30 रात को भी होते हैं और सुबह भी होते हैं, तो कौन सा टाइम है ये? अब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता ऐसे कि ये रात के 10:30 है. मान लीजिए कोई ट्रेन है, अब 10:30 आपको जाना है. अगर किसी ने आपको बोला आज आपकी 10:30 ट्रेन है, तो आप कैसे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 10:30 वो सुबह का 10:30 है कि रात का 10:30 है? इसके लिए रेलवे टाइम आपने अधिकतर देखा होगा, वो 24 आवर्स वाला टाइम ही रहता है. उनकी टिकट्स में भी 24 आवर्स का ही टाइम दिखाता है, कभी भी 12 आवर्स वाला टाइम नहीं दिखता वहाँ पे. वहाँ पे बड़ी बड़ी जो क्लॉक्स लगी रहती हैं रेलवे स्टेशंस पे, आपने देखा होगा, उसमें भी 24 आवर्स का ही टाइम बताता रहता है. वो हमेशा 24 आवर्स के हिसाब से ही. वो अधिकतर लोग डिजिटल क्लॉक को रेलवे टाइम के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं रेलवे टाइम, है ना. तो जो डिजिटल क्लॉक होती है सिर्फ यही है जो आपको बता सकती है कि ये जो टाइम है वो डे में हो रहा है कि नाइट में. जैसे अब आप इस क्लॉक में देखिए, जैसे ये हो रहा है अब 20, तो 20 मीन्स कि इसमें से आप 12 माइनस करेंगे तो 8 ओ क्लॉक हो रहे हैं इसमें, मतलब शाम के 8 बज रहे हैं. ओके, अब नेक्स्ट क्लॉक में देखिए, अब इसमें बज रहे हैं 10:00. ये दरअसल ये पैटर्न ही इस तरीके का रहता है कई डिजिटल क्लॉक में, तो ये 8 जैसा लगता है लेकिन ये 0 है. तो इसमें पूरे पूरे हो रहे हैं 10:00 कंप्लीट, है ना. तो ये सुबह के 10 बज रहे हैं आपके. ओके, मॉर्निंग के 10:00 हो रहे हैं इस वॉच में. अब देखिए, मान लीजिए कि हमको लिखने हैं कि अपने फ्रेंड को हमने बोला है कि ये अब उसको आना है 8:00 पे. अब 8:00 अगर रेलवे टाइम है तब तो वो समझ जाएगा, है ना, कि सुबह के 8 बजे. लेकिन अगर आप ऐसे शाम को, मान लीजिए कोई पार्टी है, आप बुला रहे हो उसको, तो आप इस तरीके से कैसे लिखेंगे? अगर आपको 8:00 लिखना है इसमें तो कैसे लिखेंगे? 8:00 में अगर 12 आप आवर्स प्लस करेंगे ना, तो वो शाम का टाइम आपका एग्जैक्टली आ जाएगा. जैसे 12 + 8 क्या आया? 20. मतलब कि 20:00 आप टाइम देंगे तो वो सामने वाला 8 बजे आएगा. ओके, शाम के 8 बजे. इसके लिए हम AM PM का भी यूज़ करते हैं. एनालॉग क्लॉक में एक्चुअली समझ में नहीं आता है ना कि कितना टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है कि सुबह का टाइम हो रहा है. उसके लिए हम AM और PM का यूज़ करते हैं. लेकिन रेलवे टाइम या डिजिटल क्लॉक में हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि AM है कि PM है, क्योंकि वो टाइम खुद ही बता देता है कि AM वाला है कि PM वाला है. AM हम मॉर्निंग में लगाते हैं, PM हम शाम को लगाते हैं. इसका भी एक वो है, लिमिट है. अब जैसे आपका ये हुआ 12 midnight, अब कभी भी आपको अगर 12 बजे लिखना है तो आप कभी भी मिडनाइट, मतलब डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे, आप इसी तरीके से लिखेंगे 12 midnight, मतलब आधी रात के 12 बजे. मतलब वहाँ से दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, आधी रात के 12 बजे से रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है. तो टाइम भी चेंज हो जाता है, वहाँ से फिर से 0 से स्टार्ट होता है. फिर वो काउंट करता रहता है, मिनट काउंट, आवर हुआ तो 1 AM, 2 AM, इस तरीके से काउंटिंग होती है. और फिर दोपहर के 12 बजे से फिर उसके बाद फिर से वो काउंट करता है, लेकिन वहाँ पे हम PM शो करते हैं. जब हम एनालॉग क्लॉक में दोपहर के 12 बजे का टाइम देखते हैं, उसके बाद का टाइम हम PM लगाते हैं. हर एक जब भी हम टाइम लिखेंगे, या अपने दोस्त को भी बुला रहे हैं, अगर शाम को 8 बजे बुला रहे हैं तो हम वहाँ पर लिखेंगे 8 PM. ओके, 8 PM लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये शाम के 8 बजे हमें बुला रहे हैं. ये बिल्कुल एनालॉग क्लॉक की तरह है, लेकिन उसमें AM PM का यूज़ हम करते हैं. लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट जब हम डिजिटल क्लॉक का यूज़ करते हैं तो हम AM PM का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई नीड नहीं है AM PM लिखने की, क्योंकि टाइम खुद बता सकता है कि वो सुबह का 8 बजे है कि शाम के 8 बजे है, राइट. तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में वो है, एनालॉग क्लॉक जो होता है वो 12 आवर क्लॉक कहलाती है, और जो डिजिटल क्लॉक होती है इसको 24 आवर क्लॉक कहते हैं हम. अंडरस्टूड. और ये जो AM PM है, अब AM PM भी आप कहेंगे कि ये AM और PM क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो AM का जो है फुल फॉर्म होता है एंटेमेरिडियन. ओके, एंटेमेरिडियन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AM. ये हम मॉर्निंग के टाइम पे लगाते हैं, मतलब रात के 12 बजे के बाद, जो आधी रात के 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है उसमें हम AM फिक्स करते हैं. और ये दोपहर तक का चलता है, दोपहर के बाद वाला जो टाइम होता है उसमें हम PM लगा देते हैं. जैसे आपको दोपहर का 1 बजे लिखना है तो आप 1 PM लिखेंगे. ओके,
तो ए एम मीन्स होता है एंटे मेरिडियन एंड पी एम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। अंडरस्टूड? तो आप भी इसको करके देखेंगे। और हमेशा हमको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको कभी भी 12 एम या 12 पी एम नहीं लिखना है, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से टाइम चेंज होता है ना, आगे का टाइम चेंज हो जाता है। तो 12 एम और 12 पी एम आपको कभी नहीं लिखना है, आपको इसकी जगह लिखना है, अगर रात के 12 बज रहे हैं तो आप लिखेंगे 12 मिडनाइट, है ना, रात के टाइम में, और अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो आप लिखेंगे 12 नून। क्या लिखेंगे? 12 नून। अंडरस्टूड? बिल्कुल इस तरीके से आप भी ट्राई करेंगे इसको।